इंडिया का सबसे सुंदर हिल स्टेशन जिसे क्वींस ऑफ हिल्स यानी कि पहाड़ों की रानी भी बोला जाता है, उसका नाम है मसूरी। सो चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ पहाड़ों की रानी मसूरी, क्योंकि इंडिया के उत्तराखंड स्टेट का बहुत ही सुंदर सा हिल स्टेशन है। मसूरी में बहुत कुछ है देखने और घूमने के लिए, जैसे कि यहाँ की लश ग्रीन वैलीज, वाटरफॉल्स, यहाँ की मार्केट, मसूरी की नेचुरल ब्यूटी, और ये सारी चीजें मसूरी को सबसे बढ़िया टूरिस्टिक स्पॉट बनाती हैं। और यहाँ मसूरी आने वाले हर एक टूरिस्ट के मन में यही सवाल होता है कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए, कितना खर्चा आएगा, मसूरी के सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मसूरी के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस और उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इन प्लेसेस पे कैसे पहुँचें, यहाँ की एंट्री टिकट, टाइमिंग, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं इन प्लेसेस पे, विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, और किन किन बातों का ध्यान रखना है इन प्लेसेस को विजिट करते टाइम। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मसूरी का सिटी सेंटर माना जाता है मसूरी का लाइब्रेरी चौक, सो मैं इस वीडियो में सारे टूरिस्ट प्लेसेस की दूरी इसी चौक से बताऊंगी। नंबर 1 पे है भट्टा फॉल्स। ये जगह मसूरी की सबसे फेमस जगहों में से एक है, और आज के समय में ये टूरिस्ट के बीच में बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। ये जगह लाइब्रेरी चौक से अराउंड 11 किलोमीटर दूर है, पहुँचने में 30 मिनट्स का समय लग सकता है। और इस जगह पे पहुँचने के बाद नीचे वाटरफॉल पे जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप नीचे गाड़ी या बाइक से जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे रोप वे की फैसिलिटी भी है जिसके आने जाने की टिकट 250 रुपीज पर पर्सन है। और इस जगह की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक की होती है। एंड यहाँ नीचे आने के बाद आपको बहुत सारी फन एक्टिविटीज करने को मिलेंगी, पर सबसे पहले आपको मिलेगा एक बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल, जिसमें वाटरफॉल के बीच में बैठ के आप खाना खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको रोप साइकिलिंग जैसी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, माउंटेन स्विंग है, बच्चों के लिए बहुत सारे झूले हैं, बोटिंग होती है, एंड यहाँ पे आप अपनी पूरी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग, रेन डांस भी कर सकते हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज आपको इस जगह पे देखने को मिलेंगी, तो इसलिए मसूरी आने पे भट्टा फॉल को बिल्कुल मिस मत करना। वैसे तो भट्टा फॉल को आप साल में कभी भी विजिट कर सकते हैं, पर इस फॉल को विजिट करने का बेस्ट टाइम गर्मियों में है, ताकि आप पानी में जा सकें और इन्जॉय कर सकें। एंड भट्टा फॉल विजिट करने वालों के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पे रेनी सीजन में आना अवॉइड करें। नंबर 2 पे है कैंपटी फॉल्स, जो कि यहाँ का बहुत ही मशहूर और बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल है। कैंपटी फॉल्स मसूरी का एक ऐसा अट्रैक्शन है जिसने मसूरी को इतना ज़्यादा फेमस किया है। ये एक नेचुरल एंड बहुत बड़ा वाटरफॉल है, जहाँ पे 12 महीने आपको पानी गिरता दिखेगा। ये वाटरफॉल लाइब्रेरी चौक से अराउंड 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और पहुँचने में 25-30 मिनट्स का समय लगता है। एंड कैंपटी फॉल्स रोड पे अगर आप कोई भी व्हीकल लेके जाते हैं तो उसके चार्जेस 40-60 रुपीज के अराउंड रहते हैं। इस जगह पे पहुँचने के बाद नीचे वाटरफॉल में जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप रोप वे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आने जाने की टिकट 250 रुपीज पर पर्सन रहती है, और दूसरा आप नीचे पैदल सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 15-20 मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और इस जगह की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की है। यहाँ पे पानी में अंदर इंजॉय करने के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि माउंटेन स्विंग है यहाँ पे, जिप लाइनिंग है, आप वो कर सकते हैं, बोटिंग है, एंड और भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे। एंड इन सब के अलावा यहाँ पे मेन वाटरफॉल के साथ बहुत सारे फूड पॉइंट्स हैं, तो आप यहाँ पे बैठ के अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। जगह की मार्केट भी बहुत अच्छी है, सो यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और कैंपटी फॉल्स आने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का समय है, ताकि आप यहाँ पे वाटरफॉल्स का मजा ले सकें। अगर आप इस वाटरफॉल को विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पूरा दिन निकाल के आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, एंड यहाँ पे रेनी सीजन में आना अवॉइड करें। नंबर 3 पे है गन हिल पॉइंट, जो कि मसूरी का सबसे हिस्टोरिकल और सेकंड हाईएस्ट पीक पॉइंट है। गन हिल रोड लाइब्रेरी चौक से अराउंड 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इस पीक पॉइंट पे आप या तो ट्रैकिंग करके ऊपर जा सकते हैं, जिसमें मॉल रोड से ऊपर पैदल चढ़ाई करने के लिए 20-25 मिनट का समय लगता है, और ट्रैकिंग के अलावा आप ऊपर गन हिल पॉइंट केबल कार से भी जा सकते हैं, जो शुरू होती है मॉल रोड से। इसकी आने जाने की टिकट 220 रुपीज पर पर्सन है। एंड यहाँ मसूरी मॉल रोड से गन हिल पॉइंट 400 फीट ऊपर है। एंड इस व्यू पॉइंट को विजिट करने की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की होती है। केबल कार से ऊपर पहुँचते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज स्पॉट दिख जाएंगे, तो अगर आप इस प्लेस को अपने बच्चों के साथ विजिट करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत इंजॉय करने वाले हैं।
गन हिल पॉइंट सबसे ज़्यादा फेमस है हिमालयन रेंजेस के 360 डिग्री व्यू पॉइंट के लिए। सो इस पॉइंट से आपको सारी दून वैली बिल्कुल साफ दिखाई देगी। अगर बात करें इस प्लेस को विजिट करने की तो आप इस प्लेस को साल में कभी भी विजिट कर सकते हैं। एंड अगर आप गन हिल पॉइंट को विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस प्लेस को क्लियर वेदर में ही विजिट करें ताकि आप सारी दून वैली को क्लियरली देख पाएं। नंबर 4 पे है लाल टिब्बा सीनिक पॉइंट, जो कि मसूरी का सबसे फेमस सनराइज एंड सनसेट पॉइंट है और मसूरी का ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है। ये जगह लाइब्रेरी चौक से अराउंड 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहां पहुंचने में 35 टू 40 मिनट्स का समय लगता है। जगह मसूरी के लैंडौर रीजन में है, सो वहां पे अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो उसके लिए आपको 3 आवर्स के लिए 150 रुपीज पार्किंग फीस देनी पड़ती है। इस जगह को विजिट करने की टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक की है और यहाँ लाल टिब्बा सीनिक पॉइंट की एंट्री फीस 50 रुपीज पर पर्सन है। इस सीनिक पॉइंट से आप हिमालयन माउंटेन्स की पूरी रेंज देख सकते हैं। ये जगह सनराइज और सनसेट व्यू के लिए फेमस है, सो इस जगह को विजिट करने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग और इवनिंग में है। और यहाँ पे इस जगह पे एक बहुत अच्छा और फेमस कैफे है, जहाँ पे बैठ के आप इस ब्यूटीफुल से व्यू के साथ अपना फूड और ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं और इस जगह को आप साल में कभी भी विजिट कर सकते हैं। इस जगह को विजिट करने वालों के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इस जगह को क्लियर वेदर में ही विजिट करें ताकि आप इस जगह की ब्यूटी और माउंटेन व्यू को अच्छे से एंजॉय कर पाएं। नंबर 5 पे और हमारे टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस की लास्ट जगह है मसूरी का दिल यानी कि मॉल रोड। मसूरी की मॉल रोड लाइब्रेरी चौक के बिल्कुल साथ में है, जो कि लाइब्रेरी चौक से शुरू होकर पिक्चर पैलेस चौक पे खत्म होती है। अराउंड 2 किलोमीटर लंबी ये मॉल रोड फेमस है अपने सीनिक व्यू के लिए और मसूरी के सबसे सुंदर होटल और बेस्ट फूड प्लेसेस भी यहीं इसी रोड पे मिलेंगे। मसूरी की सबसे ज़्यादा शॉप्स भी इसी रोड पे हैं, जिनमें आपको बहुत सारी अच्छी और यूनिक आइटम्स देखने को मिलेगी। सो आप यहाँ पे अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ मॉल रोड पे हर तरह के व्हीकल के एंट्री चार्जेस हैं, लाइक 4 व्हीलर्स के लिए 150 रुपीज हैं और 2 व्हीलर्स के लिए 100 रुपीज। एंड मॉल रोड पे व्हीकल की हर एंट्री पे चार्जेस लगते हैं। एंड शाम के 4 बजे से रात के 10:30 बजे तक यहाँ पे कोई भी व्हीकल एंट्री अलाउड नहीं है। एंड मॉल रोड को विजिट करने का बेस्ट टाइम इवनिंग टाइम है, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग में बहुत चहल पहल होती है और बहुत अच्छा सा माहौल होता है और लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे इवनिंग में ही इंजॉय करते हैं। मॉल रोड विजिट करने वालों के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस मार्केट को पैदल चल के एक्सप्लोर करें, क्योंकि इसके कोई एंट्री चार्जेस नहीं है और यहाँ के फेमस फूड प्लेसेस को आप जरूर विजिट करें। मॉल रोड के बेस्ट फूड प्लेसेस की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो गाइज, ये थे मसूरी के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस, जिन्हें अगर आप मसूरी आएँ तो ज़रूर विजिट करें। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।